हाय एवरीवन, फिर से न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कलरफुल शेडो पीएनजी बनाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पे काफी सारा कलरफुल शेडो पीएनजी बनाया गया। दोस्तों मैं आपको पिक्सल लैब के द्वारा बताऊंगा किस प्रकार से पिक्सल लैब एप्लीकेशन में कलरफुल शेडो पीएनजी बनाया जाता है। दोस्तों इस पीएनजी का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने यूट्यूब थंबनेल में, या तो दोस्तों कोई बैनर वगैरह बनाते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे काफी सारा इस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। या तो दोस्तों आप कोई फैक्ट वीडियो या तो फिर स्टेटस वाला वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पे काफी सारा इस पीएनजी फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है इस कलरफुल शेडो पीएनजी को, मैं आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन के द्वारा ही बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन के द्वारा। फाइनली दोस्तों, मैं अपने फोन में पिक्सल एप्लीकेशन ओपन कर लें, और यहाँ पे ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको नजर आता होगा न्यू टेक्स्ट, इसे सबसे पहले आपको डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर डिलीट का आइकन बनाओ, इस पर क्लिक करें और डिलीट कर दे। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक शेप लाना होगा। शेप लाने के लिए यहाँ पर देख सकते नीचे काफी सारा आपको ऑप्शन नजर आता होगा, इन्हीं ऑप्शन में आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं शेप का आइकन आपको देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा, आइकन भी बना हुआ है। सिंपल इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई सा एक शेप ले लेना है, यहाँ पे स्क्वायर शेप ले लेना है। स्क्वायर शेप ले लेने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको कस्टमाइज कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको कस्टमाइज करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको कस्टमाइज कर देना। कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसी ऑप्शन में काफी सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आता होगा। देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आता होगा। इन्हीं ऑप्शन में दोस्तों आपको एक फाइंड करना है कलर, देख सकते हैं फिल कलर आपको ऑप्शन नजर आता होगा। फिल कलर का एक ऑप्शन नजर आता होगा, वहीं पे आपको नजर आता होगा कलर। कलर के नीचे आपको नजर आता होगा ग्रेडियन, सिंपल से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे नजर आता होगा प्लस का निशान, सिंपल से आपको प्लस का निशान पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों काफी सारा सेटिंग आ गया, मैं आपको सेटिंग को पूरा प्रोसेस से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दो आइकन बना हुआ है, फर्स्ट और ये है सेकेंड। यहाँ पे इसी प्रकार का आइकन दोस्तों आपको चार लाना है। तो चार लाने के लिए दोस्तों सबसे टॉप में आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का निशान नजर आता होगा, सिंपल से प्लस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते तीसरा आ चुका है, तीसरा को आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना है, देख सकते हैं इतना पर आपको कर देना है। उसके बाद चौथा लाने के लिए फिर से प्लस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं चौथा यहाँ पे आ चुका है। चौथा आ जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चार आइकन बन चुका है, वन टू और ये है थ्री और ये है फोर्थ, ठीक से यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से चार आइकन बन चुका है। यहाँ पे दोस्तों सबसे सेकंड वाला आइकन पर आप क्लिक कीजिए। सेकंड वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कलर का आइकन बना हुआ है, कलर पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको सबसे रेड में ले जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे तीन आकृति बना हुआ है, फर्स्ट में देख सकते हैं लास्ट में है, सेकंड वाला को भी आपको लास्ट में ले जाना है और थर्ड वाला भी लास्ट में ले जाना है। तीनों ऑप्शन को आपको लास्ट कर देना है, देख सकते हैं ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तीनों लाइन को आपको लास्ट में रेड में कर देना, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से आपको थर्ड वाला ऑप्शन में जाना है, देख सकते हैं इस ये थर्ड, थर्ड पर आप क्लिक कीजिए, फिर से कलर वाला ऑप्शन पर जाइए और फिर से आपको रेड में जाना है, रेड कर दीजिए। और ये देख सकते हैं तीन पट्टी बना हुआ है, तीनों पट्टी का आपको रेड कर देना है, तीनों पट्टी आपको रेड कर देना है। उसके बाद ओके ओके कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला वाला आप पट्टी के ऊपर जाइएगा, देख सकते हैं ये पहला है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, कलर वाला ऑप्शन में जाइए। और कलर वाला ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सबसे टॉप में आपको नजर आता होगा रेड वाला ऑप्शन, सिंपल से इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद दोस्तों दोनों देख सकते हैं तीनों पट्टी एक जगह पे। अब यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो पट्टी आपको नजर आता होगा थर्ड वाला ऑप्शन में, इसे आपको सबसे लास्ट ले जाना है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपको मेन सेटिंग है, इसे सबसे लास्ट ले जाइए। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, आपको फोर्थ नंबर वाला पर जाना है, फोर्थ वाला पर क्लिक कीजिए। उसके बाद कलर पर जाइए और सेम प्रोसेस आपको फिर से दोहरा देना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले कलर वाला ऑप्शन पर चले जाना है, सबसे लास्ट में चले जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों यहाँ पे लास्ट आ चुका है, और जो थर्ड नंबर पट्टी है दोस्तों इसे फिर से आपको लास्ट में ले जाना है, मेन सेटिंग था यहाँ पे। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से बनकर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं किनारे में आपको सिक्स पट्टी नजर आता होगा, देख सकते हैं वन वन, इस प्रकार से वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स पट्टी है दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला पट्टी के ऊपर रख देना है, देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला पट्टी के ऊपर मैंने रख दिया। उसके बाद देख सकते हैं फर्स्ट वाला पट्टी पर आपको सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा पट्टी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे सही करने से पहले क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस पट्टी बन चुका है। यहाँ पे पूरा पीएनजी कैसे बनाएंगे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड में इसका बैकग्राउंड को मैं चेंज कर देता हूँ, कलर पे जाता हूँ, बैकग्राउंड को यहाँ से मैं व्हाइट रख लेता हूँ। बैकग्राउंड को सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इसका मैं व्हाइट यहाँ से रख लेता हूँ। इसके लिए मैं कलर पे चला जाता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड को व्हाइट रख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से देख सकते। देख सकते दोस्तों ये पट्टी बन चुका है। मैं फिर से इसी का कॉपी करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद इसे मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं कलर वाला ऑप्शन पे जाता हूँ, कलर वाला ऑप्शन पे चले जाता हूँ और यहाँ से मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं कलर पर चला जाता हूँ, देख सकते हैं पट्टी बन चुका है। जिस भी कलर में आप रखना चाहेंगे आप बना सकते हैं। अब PNG कैसे इसे बदलेंगे दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दो ही पट्टी मैं आपको बनाकर दिखा दिया हूँ। यहाँ पर कई सा पार्टी बना सकते हैं, जिस भी कलर में आपको बनाना है आप इजी में बना सकते हैं। सिंपल सब कलर वाला ऑप्शन पर जाना है, कलर चेंज कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक भी दे सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। जिस भी कलर में आपको अच्छा लगे उस कलर में आपको रख लेना है। देख सकते हैं इस कलर में मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। देख सकते हैं इस प्रकार से कलर हमारे पास बनकर आ चुका है। अब दोस्तों इसे PNG किस प्रकार से बनाएंगे, तो PNG बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन है। इन्हीं ऑप्शन में सबसे फोर्थ नंबर ऑप्शन पर चले जाना है। फोर्थ नंबर ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट का आकृति बना हुआ है, नाम भी लिखा हुआ, लोगो भी बना, इस पर सिंपल सब क्लिक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आप इसे एक को डिलीट कर दीजिए, सिंपल से आप एक को ही सेव कर लीजिए, यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। एक को वन को ही रखिए और उसके बाद सबको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए दोस्तों सिंपल से आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव का आकृति बना हुआ है। सेव एज इमेज पे जाइए और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पे चले जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रा पे चले जाना है। डिफॉल्ट पे जाने के बाद अल्ट्रा पे चले जाइए। उसके बाद देख सकते हैं सबसे टॉप में आपको सेव टू गैलरी नजर आता होगा, इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे फिर से मैं जो सेव किया था गैलरी में, मैं वहाँ से लेकर के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने गैलरी पर सेव किया था, उसे लाने के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे थ्री रुपये मैं क्लिक करता हूँ, यूज एज फ्रॉम गैलरी पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव किया था, देख सकते हैं ये सेव किया था, देख सकते हैं। और सेकंड हिसाब पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, दूसरा आ चुका, देख सकते हैं दोस्तों सेम है। अब इसे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप पोस्टर बनाते हैं वहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर यूट्यूब थंबनेल पे बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो वहाँ यूज कर सकते हैं, या कोई फैक्ट वीडियो बनाते हैं वहाँ यूज करते हैं, अगर आप कोई स्टेटस वाला वीडियो बनाते हैं वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, इजी वे में समझाया दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया होगा दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद और जय भारत।